अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अभी आया हूँ इधर कैथेड्रल चर्च पे। बस आज थोड़ा वीकेंड था तो मैंने कहा चलो आप लोगों को वीकेंड दिखा देता हूँ, घुमा लेता हूँ क्या है क्या नहीं है, और देखते हैं आज यहाँ पर कौन है हमारे साथ कौन नहीं है, और मज़े करते हैं। यहाँ पर चलें आगे, देखते हैं क्या है, और आप मेरे साथ रहें फिर आगे मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। आज सनी डे है यहाँ पर, तो उम्मीद करता हूँ सनी डे में कुछ व्यूज अच्छे नज़र आएंगे। चलें साथ रहें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, आप देखें यहाँ पर एक कैथेड्रल चर्च है इनका, ये चर्च है, बड़ा खूबसूरत है। और ये मुझे पाकिस्तानी नज़र है, शायद है तो एशियन, देखते हैं पाकिस्तानी है कौन है, फिर इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो ब्रदर, कहाँ से भैया? मैं पाकिस्तान से। ओ माशाल्लाह, मैं भी पाकिस्तान से हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा नाम हसन। हसन भाई। हाँ जी। आप? मैं लाहौर से हूँ। मैं हसन से हूँ, हैदराबाद से। हाँ, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ वैसे। अच्छा, विजिट के लिए? ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, चले फिर साथ ही विजिट करते हैं। तो ये मुझे एक कलीग मिल गया है यहाँ पर, ये मैं इसके साथ घूमते हैं, थोड़ा इसको भी दिखाता हूँ, मैंने जो जगह देखी हुई है तो हम साथ ही देखते हैं, और इसको भी थोड़ा इंटरटेन करता रहूँगा बातें। एक कलीग मिल गया है मुझे, तो हम एंजॉय करते हैं, चले। तो चले असर भाई आगे चलते हैं इस तरफ थोड़ा। मैं आपको, हाँ मैं इतना लोकल नहीं, खास मैंने घूमा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा घुमा ही देता हूँ मैं। हाँ ओ ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ थोड़ा सा मैंने। चले भाई आगे देखते हैं। यार इसके बारे में तो इतना मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये शायद इनका सिंबल है, ये मैंने मैप पे भी इनका देखा हुआ है, जो इनका फ्लैग है उस पर भी ये निशान है, तो शायद पॉसिबल भी है। यहाँ पर लिखा हुआ है किसको दस, जैसे ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है आप देख सकते हैं, इससे तो नहीं पढ़ा जाएगा इसलिए मैं कोशिश नहीं करूँगा। ये व्यू है आप देखें, वैसे खूबसूरत तो है कह सकते हैं ऐसे खूबसूरत, पर यहाँ पर जो मैंने जो नोट ऑब्जर्व किया है वो पूरा एक जैसे ही है ना, तर्ज अमल इनका सारा यूरोप का, और इनका सिमिलर ही है, स्ट्रीट्स वगैरह सारी सिमिलर ही हैं। आप ये देखें, ये है भाई हमारे दोस्त। चले आगे आगे, इधर आए, इधर से शायद उधर से व्यू अच्छा आता है, लेकिन ये शायद कोई फंक्शन है शाम के टाइम, तो इस वजह से कुछ स्टेज वगैरह बना रहे हैं। चलो तो उस तरफ से मूव होते हैं हम, आए वापस। लास्ट टाइम मैं आया था, कॉन्सर्ट था उधर बाहर, तो मैं आया था उधर, अभी आगे देखते हैं। चले अभी देखें आगे, एग्जैक्टली मेरे लिए भी ईजी हो गया, कोई बंदा मुझे मिल गया यहाँ पर जिससे मैं बातें शातें कर सकूँ। तो कौन सा ये पहाड़ नहीं, इनका कैसल है और ऊपर से इसको कहते हैं गेडेमनीज कैसल, ये हाँ कैसल है ऊपर, वो शायद इनका पुराने दौर का था, ये आप देख सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली हम पीछे से रास्ता है ऊपर जाएंगे, ये देखें आप, ये कैसल है, ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ। एग्जैक्टली ये तो इसका रास्ता उस तरफ से जाता है, तो हम उस तरफ से चलते हैं इसके रास्ते में। पाकिस्तान में सब कैसा था? पाकिस्तान में अच्छा अच्छा हाँ, लाहौर में तो वाकई बहुत बहुत मौसम मसा है, और वैसे पॉल्यूशन भी बहुत है वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बिल्कुल आप जब असल में हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ना लोग थोड़ा ख्याल रखते हैं सफाई 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 सुथराई का, चीज़ों का, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है।
हमारे यहाँ जैसा आता है भाई, डालो ये करो वो करो, इधर की उधर मार दी, इधर की उधर मार दी, तो हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे ही बनता रहता है ना। एग्जैक्टली हाँ, मैं यहाँ पर ही रहता हूँ, मेरा घर है उधर आती थी इस गाते पे, तो वहाँ पर रहता हूँ मैं विद फैमिली रहता हूँ यहाँ पर। जी जी, इतना नहीं किया लेकिन बस कुछ किया है जब जब मौका मिला है। आप देखें, एंजॉय करें। ये देखें भाई, यहाँ से ये एक व्यू रहता है और ये हम रास्ता जैसे है, हम क्रॉस करते हैं फिर आगे निकलते हैं। लोग जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। वो सामने से रास्ता है, चले आगे देखें, यहाँ से रास्ता है, रास्ता लग रहा है थोड़ा लंबा है पर देखते हैं। ये शायद मैंने पहले वीडियो में दिखाया था लेकिन उस टाइम स्नो टाइम था, बर्फबारी थी और ये चीज़ें थी। हाँ मैं विंटर टाइम में आया था यहाँ पर, तो विंटर टाइम में तो ये बहुत बर्फबारी थी इधर, मतलब कि यहाँ पर स्लिपरी ये वे था तो बहुत मुश्किल था। मैं उस टाइम आया था अपनी वाइफ के साथ। हाँ लेकिन अभी कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी हरा भरा है, ग्रीनरी है। ये अभी रास्ता है इधर, ये अब हम रास्ते की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता है ऊपर कैसल की तरफ जाता है, लेकिन सीढ़ियाँ तो चलो उतरने वालों के लिए ही हैं क्योंकि हम तो वैसे भी चढ़ सकते हैं। और ये देखो मेंटेनेंस का भी काम चल रहा है यहाँ पर। यहाँ से ऊपर से आप पूरा व्यू देख सकते हैं विलेज का ना। हाँ सांस तो भी है और चढ़ेंगे यहाँ से भाई, सांस फूले क्योंकि रास्ता थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग भी थक चुके हैं अभी, तो आगे देखें। तो मैं थोड़ा ये घुमाता हूँ, उसके बाद फिर हम कहीं दूसरे एरियाज में जाते हैं। चले रास्ता जा रहा है, आप देखें रास्ता और पूरा व्यू है। अब हम भाई ऊपर चढ़ रहे हैं, हम बहुत थक गए हैं सारे, ये भी थके हुए हैं, सब थके हुए हैं। वैसे आप देखें आधी मंजिल तय करके हैं, बाकी आधी है थोड़ी सी। फाइनली फाइनली हम पहुंच गए इधर। ये हम पहुंच गए ग्रैमीज के चारों पर, यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, थका दिया हमने। चले भाई अब थोड़ा हमने सांस ले लिया उधर बैठ के, अब हम थोड़ा आगे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं उसके बाद। इधर आप सिटी का व्यू ले लें, मैं आगे की तरफ जाता हूँ उस तरफ ना। हाँ बहुत खूबसूरत जगह है, ये कुछ चाइनीज है, लोग ज़्यादा आए हुए हैं वैसे। देखें हाँ आज कुछ मौसम गर्म भी है, ठंडा भी नहीं है। तो एनीवेज यहाँ से आप सिटी का व्यू देख सकते हैं।
ये आप देख सकते हैं पूरा विल्लेस का व्यू यहाँ से ना। मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये व्यू है और अब हम नीचे की तरफ जाएंगे वापस, तो कुछ रास्ते और हैं वो एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि आगे कैसी चीज़ें करनी है और आगे है क्या। कोशिश करेंगे आपको जितना हो सके हम आपको दिखाएंगे, और हम दो बंदे अब हो गए हैं, मैं इनके साथ डिस्कशंस करता रहूँगा और कुछ बातें करता रहूँगा ताकि मेरे साथ पार्टनर हो गया, तो हमारे साथ रहें, आगे हम आपको दिखाते हैं। तो ये आपको एक व्यू यहाँ से, ये देखें ये भाई हैं सैयद भाई, इधर साथी हैं, और चलें अब हम नीचे की तरफ जाते हैं और थक गए यहाँ से क्योंकि आगे थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करना है हमने, उसके बाद हम इसे आगे देखते हैं क्या है, तुम्हारे साथ रहें। अब नीचे जाते हैं देखते हैं, तो क्या वैसे आज गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, अब वैसे कल कुछ ज़्यादा थी, आज इतनी नहीं है, लेकिन बहरहाल आज गर्मी फिर भी है, तो हम नीचे जा रहे हैं तो कुछ पानी परेशानी पीते हैं, इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर मैं सैयद भाई का वेट कर रहा हूँ, वो आ जाए तो उसके बाद हम दूसरे प्लेस पे जाएंगे, तो अभी तक यहीं के लिए ये काफ़ी था, सैयद भाई आ जाए तो फिर हम दूसरा प्लेस एक्सप्लोर करेंगे, फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ये ऊपर से सैयद भाई आ रहे हैं, देखें आप थक गए शायद पसीने और गर्मी ने इनका हाल बुरा कर दिया है, तो ये आ रहे हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता व्लॉग की रिकॉर्डिंग भी करते हुए आ रहे हैं आप देख सकते हैं, और ये अभी नीचे नीचे जा रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि नीचे गिर ना जाऊं मैं ये फुल एहतियात के साथ जा रहे हैं, तो अभी चलें आगे दूसरे प्लेसेस पे हम चलते हैं और देखते हैं। ये देखें भाई बोटिंग कर रहे हैं ये लोग, और ये गर्मियों का मौसम है आज, बोटिंग का इनका मोड है भाई, तो ये देखें ये बिल्कुल गड्ढे में, इसके नीचे जो रिवर है उधर ही है, ये लोग उधर से जा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। चले हम भी देखते हैं आगे, सैयद भाई से पूछता हूँ मैं क्या कहते हैं, सैयद भाई क्या ख्याल है हम भी बोटिंग कर ले? ओ मुझे तैरना नहीं आता मैं ये पानी बहुत छोटा है ना, पता नहीं कर सकता हूँ कि नहीं, पर मैं कर लाऊंगा, पानी इतना ज़्यादा नहीं है, तो बेसिकली आप पंजाबी हैं? हाँ पंजाबी अल्हम्दुलिल्लाह, बस आ जाती है क्योंकि मेरे सारे जो कुलीग्स वगैरह हैं कुछ काफ़ी दोस्त वो सारे पंजाबी हैं, तो इसलिए मुझे पंजाबी भी आती है, बेसिकली मैं सिंधी हूँ, हाँ सिंध से होने की बस अल्लाह का करम है कुछ ना कुछ आता है। लिथुएनियन नहीं भाई, लिथुएनियन नहीं आती मुझे बिल्कुल, इनकी लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, बस इतना आता है अच्छो थैंक यू को बोल देते हैं। लाबस को भी हेलो कहते हैं, सिविकिया को भी हेलो कहते हैं, सिविकस को भी पुलुलर में हेलो कहते हैं हाय। ये हम आगे की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से आपको हमने रिवर वाला व्यू दिखाया और बोटिंग दिखाई, आगे देखते हैं ये थोड़ी पार्क है इधर।